सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा वीवो TO144W का जो स्मार्टफोन है इसमें कैसे फिंगरप्रिंट लॉक सेट करते हैं और इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक का रिव्यू दे दूंगा कितना फास्ट है और कितना स्लो है। तो आइए देखते हैं कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले सेट फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लॉक है, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक, ये सारा है। तो मैं आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही क्लिक करती हूँ यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन आ गए हैं, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न लॉक लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट प्लस पिन लॉक लगा सकते हो और फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो है फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न। तो इसको मैं काम में लेती हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न लॉक यूज़ करना होगा, सेट करना होगा। तो यहाँ पर पैटर्न लॉक यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देने के बाद नेक्स्ट करूँगा। फिर से वही पैटर्न लॉक आपको कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही क्लिक करती है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉक स्क्रीन कैसा रहेगा, शो ऑल नोटिफिकेशन या फिर डू नॉट शो नोटिफिकेशन, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डन करूँगा। डन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से विंडो आएगा। तो इस तरीके से आपका जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर सेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट इनपुटिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैचिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको आपका फिंगर रखना होगा, कोई भी फिंगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट धीरे धीरे यहाँ पर स्कैन होगा, ठीक है, मैचिंग होगा। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आपका फिंगरप्रिंट फुल स्कैन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसके बाद डन करना होगा। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर करना होगा, अच्छे से एक ही फिंगर से करना होगा, ठीक है। उसके बाद अलग से आप ऐड कर सकते हो फिर से कोई एक नया फिंगर। तो यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर डन करना होगा, ठीक है। तो एक फिंगर मेरा हो गया है। उसके बाद अगर दूसरा फिंगर सेट करना चाहते हैं तो ऐड फिंगर ऑप्शन है, फिर से आपको कोई भी यहाँ पर ऐड फिंगर पे क्लिक करके दूसरा फिंगर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके आप सारे फिंगर को ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से मैं दूसरा वाला फिंगर यहाँ पर स्कैन करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे स्कैन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका फिंगर यहाँ पर सेट करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दो फिंगर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप सारी फिंगर ऐड कर सकते हैं, ऐड फिंगर यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं दो ही करूँगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने दो फिंगर ऐड करके रखे हैं और इसके बाद यहाँ पर मैंने बैग आती हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ कितना फास्ट है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लॉक कर दिया और उसके बाद मैंने जैसे ही फिंगर इन डिस्प्ले पर रखे और तुरंत यहाँ पर मेरा लॉक खुल गया है, आप देख सकते हैं लाइव। और यहाँ पर दूसरा फिंगर मैंने देती हूँ तो देख सकते हैं वही रिजल्ट, फिर से तुरंत यहाँ पर खुल गए हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने तीसरा नंबर पे जो फिंगर देती हूँ यहाँ पर नहीं खुलेगा, क्योंकि ये फिंगर मैंने सेट करके रखा ही नहीं। और जैसे ही मैंने फिर से और तुरंत यहाँ पर खुल गए। तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे ओपिनियन है बहुत ही अच्छे हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बहुत ही अच्छे काम कर रही है और बहुत ही फास्ट है, ठीक है। तो आप इसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।